Hello dear students, today we will discuss type of business services. हमारा second lecture है business services पर. In my previous video मैंने आपसे discuss किया था business services क्या होती हैं और services का क्या nature है या services का क्या feature है. आज मैं उन business services के types बताऊंगी कि business किन तरीके की services को use करते हैं अपने business को successfully चलाने के लिए. देखिए previous video में मैंने बताया था कि business services क्या होती हैं. ऐसी services जिनको कौन use कर रहा है, business use कर रहा है. किसके लिए use कर रहा है, अपने business को smoothly चलाने के लिए एक business अपने लिए services को use करता है. अब बात आती है कि कौन कौन सी सर्विसेज को बिज़नेस यूज़ करते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में, बिज़नेस सर्विसेज के चैप्टर में, हमने इन सर्विसेज को डिटेल में पढ़ना है. हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं कि कौन कौन सी बिज़नेस सर्विसेज हैं जो बिज़नेस अपने बिज़नेस को सही ढंग से चलाने के लिए यूज़ करते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. पहली सर्विस है बैंकिंग सर्विस. बिज़नेस क्या करते हैं, अपने लिए बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं. अब क्वेश्चन आता है बैंक क्या प्रोवाइड कराते हैं बिज़नेस को. देखते हैं हम लोग ये सर्विसेज, दो सर्विसेज विच आर फैसिलिटेट टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द बिज़नेस. ये बिज़नेस को फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, फाइनेंस को फैसिलिटेट करते हैं, जिससे बिज़नेस क्या करता है, अपने आप को स्मूथली चलाता है. देखिए फाइनेंस किसी भी बिज़नेस के लिए उसकी बैकबोन है. विदाउट फाइनेंस तो बिज़नेस स्मूथली चल ही नहीं सकता. अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बिज़नेस को फाइनेंस की ज़रूरत होती है. इसका मतलब बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं बिज़नेस. क्या सिर्फ यही जो है फाइनेंशियल सर्विस, कितने तरह की सर्विसेज देते हैं. देखिए अगर बैंक जो है बिज़नेस को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, कोई भी बिज़नेस सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत होगी, तो पैसे की ज़रूरत कौन पूरी करके देगा, बैंक पूरी करके देंगे. कैसे देंगे, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराकर एक बिज़नेस की हेल्प करेंगे उसके बिज़नेस को स्मूथली चलाने में. एंड इसके अलावा भी जो है बैंक्स बहुत सारे काम करते हैं, सिर्फ लोन देने का काम नहीं करते, बैंक बहुत सारे काम करते हैं. जैसे अकाउंट फैसिलिटी देते हैं, एक बिज़नेसमैन का अकाउंट जो है किस में ओपन करते हैं, बैंक में ओपन करते हैं, और अपने अकाउंट को ऑपरेट करके जो एक बिज़नेसमैन है वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, अपने पैसे की लेन देन कर सकता है, अपने अकाउंट के थ्रू कर सकता है. लॉकर फैसिलिटी देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ जो हैं बैंक प्रोवाइड कराते हैं एक बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए. तो हमने यहाँ तो बात करी कि बैंक क्या दे रहे हैं एक बिज़नेस को. बैंक जो है फाइनेंशियल नीड को फैसिलिटेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो ज़रूरतें हैं उनकी सुविधा जो है बिज़नेस को प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इंश्योरेंस फैसिलिटी. अब एक दूसरी फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, एक दूसरी सर्विस की बात कर रहे हैं जिसकी बिज़नेस को नीड है, और वो है इंश्योरेंस सर्विस, जिसको बिज़नेस यूज़ करता है अपने बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए. देखिए इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों. इंश्योरेंस होता है एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी. देखिए हमने यहाँ लिखा है इंश्योरेंस सर्विस क्या है, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वन टेक रिस्क ऑफ अदर. एक क्या करता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी का रिस्क को ट्रांसफ़र कर देती है, उसके रिस्क को ले लेती है. किसके बदले में लेती है, किसी के रिस्क को हम क्यों ले रहे हैं, इन एक्सचेंज ऑफ फ़ी. एक प्रीमियम या एक फ़ी भरने पे हम क्या कर रहे हैं, एक बिज़नेस से फ़ी ले रहे हैं, और उसको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके रिस्क को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं खुद के साथ. देखिए इंश्योरेंस से क्या होता है, अगर एक बिज़नेस इंश्योरेंस सर्विस ले रहा है तो उसको क्या फ़ायदा होगा. इंश्योरेंस एक बिज़नेस के रिस्क को दूर करता है, एक रिस्क को या एक रिस्क की हिंड्रेंस को रिमूव करता है. देखिए बिज़नेस क्या है, कॉन्टिन्यू रेगुलर चलने वाली एक्टिविटी है, फ्यूचर में चलने वाली एक्टिविटी है. जब कोई चीज़ फ्यूचर में होती है तो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो फ्यूचर में हमें क्या रिजल्ट देगा, क्या पॉसिबिलिटी होगा. तो इट मींस मिस हैपनिंग के चांसेस बिज़नेस के साथ हमेशा रहते हैं. इस मिस हैपनिंग के चांसेस को हम किसी और पर ट्रांसफ़र करने के लिए इंश्योरेंस सर्विस लेते हैं.
तो इंश्योरेंस बिजनेस क्या ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, उस बिजनेस के रिस्क को ट्रांसफ़र कर देती है, उस बिजनेस के रिस्क को ले लेती है। क्यों लेती है, उसका क्या जो है पर्पस है, एक फ़ी लेने के बाद, एक प्रीमियम पे करवाने के बाद वो एक बिज़नेस के रिस्क को अपने ऊपर ले लेती है। तो ये सर्विस भी बहुत असेंशियल है बिज़नेस को फ्रीली चलाने के लिए, बिज़नेस के रिस्क को कम करने के लिए क्या करते हैं बिज़नेस, इंश्योरेंस की सर्विस इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे बच्चों, ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है, इसके बिना बिज़नेस सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हमें क्या फैसिलिटी देती है, इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड रॉ मटेरियल पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से रॉ मटेरियल को दूसरी जगह ले जा रहे हैं, एक जगह से एक पर्सन को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये फैसिलिटी दे रही है मूवमेंट की। क्या विदाउट मूवमेंट बिजनेस सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए प्लेस ऑफ प्रोडक्शन अलग होगा, प्लेस ऑफ स्टोर अलग होगा, जहाँ पर आप रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए भी वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। बिना ट्रांसपोर्टेशन के एक बिज़नेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्लेस ऑफ कंजम्पशन दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए, इनके जो है गैप को फिल करने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब बिज़नेस क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेगा, किसके लिए, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को स्मूथली चलाने के लिए। तो ये भी असेंशियल है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, एक हिंड्रेंस को जो है रिमूव कर रही है, एक प्रॉब्लम को रिमूव कर रही है, ईजिली एक चीज़ जो है ट्रांसफ़र हो जाती है या मूव हो जाती है अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए नेक्स्ट सर्विस की बात करेंगे बच्चों, और वो सर्विस है फोर्थ सर्विस है, जिसका नाम है वेयर हाउस या वेयर हाउसिंग सर्विस। ये वेयर हाउसिंग सर्विस आपको क्या प्रोवाइड कराती है, वेयर हाउस एक हम बात करते हैं एक स्टोर, एक गोडाउन, एक प्लेस जहां पर गुड्स को सेफली रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है मैम, वेयर हाउस क्या है आपने बता दिया कि एक स्टोर है, एक गोडाउन है, एक प्लेस है जहाँ एक प्रोड्यूसर के गुड्स को सेफली रखा जाता है। जो बिजनेस है वेयर हाउस की जो है सर्विस क्यों ले रहे हैं, एक प्लेस को क्यों जो है परचेज कर रहे हैं, क्या नीड है। देखिए बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, हमने बताया था जो बिजनेस प्रोडक्ट गुड्स बनाते हैं उनका प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्या होता है, सेपरेट होता है, दोनों एक्टिविटीज़ अलग अलग होती है। प्रोडक्ट बनता कब है, प्रोडक्ट कंज्यूम कब किया जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों के बीच में टाइम गैप है। इस टाइम गैप को फिल करने के लिए वी नीड ए वेयर हाउस सर्विस, हमें किसकी ज़रूरत है, वेयर हाउस सर्विस की ज़रूरत है, जो सेफली उस प्रोडक्ट को कहाँ रखेगी, एक प्लेस पर रखेगी जिस पर क्या होगा, हमें गुड्स की सेफ्टी मिलेगी, गुड्स वहाँ पर क्या होगा, सेफ होगा। तो अगर वेयर हाउसिंग सर्विस ना हो तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का जो गैप है उसको हम किस तरीके से फिल करेंगे। तो वेयर हाउसिंग सर्विस भी क्या है, एक असेंशियल सर्विस है गुड्स को सेफली स्टोर करने के लिए, और जिसकी ज़रूरत हर बिजनेस को होती है जो गुड्स के साथ डील करते हैं, जो गुड्स को बनाते हैं, उनके लिए क्या है वेयर हाउसिंग सर्विस क्या है, असेंशियल सर्विस है। चलिए नेक्स्ट सर्विस की बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत, जनरली हम बात कहते हैं तो कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत हो रही है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं किसी और पर्सन के साथ।
कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, असेंशियल है एक बिजनेस के लिए। ऐसा क्यों मैम? क्या जो है कम्युनिकेशन ना हो तो बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चल सकता? देखिए, प्रोडक्ट बनाना एक बिजनेस की प्रायोरिटी, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना थोड़ी है, प्रोडक्ट बेचना भी तो है। प्रोडक्ट बनाने से बिजनेस नहीं होगा, प्रोडक्ट बेच बनाना एंड प्रोडक्ट बेचना। आप एक प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे? जब आप कस्टमर को क्रिएट करें, और कस्टमर क्रिएट कैसे होते हैं? जब आप कस्टमर के टच में जाते हैं या कस्टमर के साथ कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हैं, और ये कॉन्टेक्ट मेंटेन के लिए वी नीड कम्युनिकेशन सर्विसेज। क्या आप अपने बिजनेस को विदाउट कम्युनिकेशन सर्वाइव कर सकते हैं? क्या आप कस्टमर से कोई कम्युनिकेशन अगर नहीं रखते तो क्या पॉसिबल है कि आपके लिए कस्टमर क्रिएट हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आपको अपने कस्टमर तक बात पहुंचानी असेंशियल है। आप किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस तरीके के फीचर्स हैं, ये बताना ज़रूरी है, तभी आपके प्रोडक्ट के कस्टमर क्रिएट होंगे। नॉट ओनली कस्टमर क्रिएशन, हमें कम्युनिकेशन सर्विस की ज़रूरत है। अपने कस्टमर को रिटेन रखने के लिए, रिटेन होता है कि आप अपने कस्टमर को बनाए रखना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। देखिए, आप अपने अपने कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपने कस्टमर के जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको भी आप क्या करेंगे, अपने कस्टमर से सुनेंगे, कस्टमर से बात करके उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो ये बातचीत जो है असेंशियल है, ये कम्युनिकेशन असेंशियल है। इसीलिए एक बिजनेस कम्युनिकेशन सर्विसेज को यूज़ करते हैं, उस कम्युनिकेशन सर्विसेज से वो कस्टमर से कॉन्टेक्ट करते एंड कस्टमर को क्रिएट एंड रिटेन करते हैं। तो ये तो सर्विस क्या है, कम्युनिकेशन की सर्विस है। इससे पहले मैंने आपको बताया बैंकिंग सर्विसेज जो फाइनेंस को फैसिलिटेट कर रहे थे, अदर फैसिलिटीज़ भी दे रहे थे। फिर हमने आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया। इंश्योरेंस आपके बिजनेस की जो है रिस्क को कम करते हैं, रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड उसके बाद हमने आपको बताया इंश्योरेंस के बाद कि आप जो है इंश्योरेंस के बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी आपको जो है असेंशियल है आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। देन वेयर हाउसिंग के बारे में कि वेयर हाउस क्या है, एक प्लेस है जहां पर गुड्स को सेफली स्टोर किया जाता है। बिजनेस अपने गुड्स की सेफ्टी के लिए वेयर हाउस सर्विसेज लेते हैं। देन कम्युनिकेशन की हमने बात की कि कम्युनिकेशन असेंशियल है। अगर एक बिजनेस स्मूथली अपने बिजनेस को चलाना चाहता है तो अपने कस्टमर के साथ जो है कनेक्टेड रहे, कनेक्टेड रहने से कस्टमर क्रिएट होते हैं एंड कस्टमर जो है रिटेन रहते हैं। ये जो सर्विसेज बच्चों मैंने आपसे डिस्कस करी, जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, ये हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर सर्विस इंडस्ट्री में भी पढ़ा था, एक्सिलरीज टू ट्रेड में भी पढ़ा था। एक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रेड को स्मूथली चलाने के लिए हम कुछ सर्विसेज की बात करते थे। ये वही सर्विसेज हैं बच्चों जो एक बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हमें असेंशियल जो है चाहिए, हमें इनको यूज़ करना क्या है, असेंशियल। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे बैंकिंग सर्विस को डिटेल में पढ़ेंगे कि बैंकिंग जो है किस तरीके के बैंक्स हैं जो डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, कितने तरह की डिफरेंट सर्विसेज हैं। थैंक यू सो मच।